नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम सीएमआर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी दिनभर की खबरों से अपडेट करते हैं। आज सीएमआर के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सीएम ने आज किस क्षेत्र को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी, कहां जब सीएम का रोड शो हुआ तब क्षेत्रवासी उनके अभिनंदन के लिए उमड़ पड़े। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ प्रवास से मध्यप्रदेश लौटकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कौन सी बड़ी घोषणा की है। मगर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सीएम से जुड़ी आज की सुर्खियों पर। सीएम ने किया अयोध्या बायपास, करोन क्षेत्र से संजीव नगर होकर नवेरी तक बनी 3.8 किलोमीटर के सड़क मार्ग का लोकार्पण। आवागमन होगा और भी सुलभ, बड़ी आबादी को मिलेगा लाभ। सागर पहुंचे सीएम मोहन यादव, क्षेत्र में की कई बड़ी घोषणाएं। जल्द खुलेगा क्षेत्र में नया आयुर्वेदिक कॉलेज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर होगा महाविद्यालय का नाम। औद्योगिक शहर मंडीदीप पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात, कई विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विकास की नई परिपाटी बनाते जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी के अयोध्या बाईपास करोंद क्षेत्र से संजीव नगर होकर नेवरी तक बने 3.8 किलोमीटर के सड़क मार्ग का आज उन्होंने लोकार्पण किया। इस सड़क के बनने से आवागमन जहां सुलभ होगा वहीं क्षेत्र की बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जनता के हित के मामले में कोई संकल्प कर ले तो फिर वो निर्णय का परिपालन कराने के लिए अगर सुयोग्य जनप्रतिनिधि हो तो विश्वास सारंगी के माध्यम से अयोध्या बाईपास से संजीव नगर होकर नेवरी मंदिर तक का निर्माण कार्य जोरदार अभिनंदन करें। 3.8 किलोमीटर की ये जो सड़क बनी है ये भूतों ने भविष्य की, और जनता की कठिनाई में अगर हम कोई ऐसा काम करें जो हमेशा हमेशा के लिए हो, अरे जनता का विश्वास और अपने निर्णय के प्रति आस्था जब होती है तो भगवान राम ने तो पानी के ऊपर पुल बना दिया था। हम उस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। मध्य प्रदेश में विकास की नई इबारत लिख रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार दोपहर सागर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पीटीसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया, कई सौगातें देने का ऐलान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर जिले में भारत सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का भी विश्वविद्यालय है। हमारी सरकार ने शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। हमने पिछली बार सागर में नया आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, यह नया कॉलेज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर होगा। हमने पिछले समय घोषणा की थी कि सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। निश्चित रूप से सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इस बात से सहमत हो तो जरा एहसास तो कराओ। और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है, आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं। कोई भी बीमार आदमी अगर अपने जीवन में कष्ट पाकर के हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज करना है तो कलेक्टर के माध्यम से अगर उसको और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी और अच्छी जगह पहुंचाना है तो हमारी सरकार ने घोषणा की है एयर एम्बुलेंस की, गांव से गांव छोटी से छोटी जगह में भी हर आदमी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। यह हमारी सरकार का निर्णय है। कोई आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और मुट्ठी बांधो और हम संकल्प करें 22 जनवरी को प्रभु राम ने अपने धाम में मुस्कुरा करके
नए सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व प्रारंभ किया है मोदी जी के नेतृत्व में, यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। हमारे लिए आने वाले समय में सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के कोई भी मौके आएंगे, ये सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। बोलिए मेरी बात से सहमत है तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आप कल शाम मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरेला विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि नरेला विधानसभा में संजीव नगर से नेवरी लाल घाटी तक की सड़क बनकर तैयार हो गई है। इस सड़क के बनने से एयरपोर्ट की ओर जाने वालों को 7 किलोमीटर का फेरा नहीं लगाना पड़ेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने नरेला विधानसभा के रहवासियों को 1 दर्जन से अधिक विकास कार्यों की सौगात दी। इससे पहले भानपुर आरओबी से करुण चौराहे तक भव्य रोड शो भी किया। मैं भी आज सुबह रायपुर, उसके पहले भोपाल के स्टेशन के लोकार्पण पे नए निर्माण कार्य, कितने निर्माण कार्य, लगभग 15 दिन में 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा निर्माण कार्यों की माननीय प्रधानमंत्री ने सौगात दी। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री के माध्यम। अभी तो रेल हमारी उज्जैन से आ रही, इटारसी तरफ जा रही, विदिशा की तरफ जा रही, जिधर से चाहो उधर से, लेकिन एक नई रेल लाइन का शुभारंभ हुआ। हिरदाराम नगर बेरागढ़ से होती हुई रामगंज मंडी से राजगढ़ का रास्ता, जोरदार अभिनंदन करो, एक नई रेल लाइन की आज सौगात मिली। कितने काम हो रहे हैं, और आपकी ये विधानसभा तो पुराने स्टेशन से नए स्टेशन तक, तो आपने कहा एलिवेटेड रोड की जरूरत है, निश्चित रूप से एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। विश्वास भाई, आपके इस क्षेत्र के अंदर विकास का कोई भी काम आप मांगोगे, भाजपा की सरकार आपकी सरकार है। अभी तो रेल हमारी उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे। इस दौरान सीएम ने डोंगरगढ़ में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जैन तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में स्थित समाधि के दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को डोंगरगढ़ ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों ने आश्रम में संचालित अन्य गतिविधियों की भी जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का कमेटी के पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। आपको बता दें कि जैन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की 18 फरवरी को समाधि हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आश्रम में संचालित चल चरखा केंद्र का अवलोकन कर कर्मचारियों से कपड़ा बुनने की विधि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कपड़े की गुणवत्ता को भी देखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जैन समाज के नहीं पूरे भारत और विश्व के ऐसे संत थे जिन्होंने विश्व के कल्याण की कामना हमेशा ही की है। उन्होंने आचार्य जी के अहिंसक कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आचार्य श्री के व्यक्तित्व और जीवन कृतित्व पर चर्चा की और उनके चलाए जा रहे प्रकल्पों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा स्मृति स्वरूप आचार्य श्री विद्यासागर जी की तस्वीर भेंट की गई। इस अवसर पर भाजपा मध्य प्रदेश के मंत्री श्री राहुल कोठारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत उपस्थित रहे। ऐसे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की निर्माण स्थल पर मैं आया हूँ, मैंने अपनी आदरांजलि दी है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने तत्समय जब उनने शरीर छोड़ा था, हमने राष्ट्र अपना प्रदेश का शोक भी व्यक्त करवाया, मंत्री को भेजा था, श्रीमान चेतन कश्यप जी यहाँ आए थे, मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी। और वो तो वैसे जीते जी देव बने, तो उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे, हमारे हाथ से सत्कर्म होता रहे, परमात्मा सब पे कृपा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और उनने जो मोक्ष मार्ग लिया है, ये मोक्ष मार्ग पूरे भारत का नहीं, दुनिया की मानवता संस्कृति का भला करे। ओम सा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल औद्योगिक शहर मंडीदीप पहुंचकर करोड़ों की सौगातें शहर को दी हैं। सीएम यादव ने मंडीदीप को 65.53 करोड़ की सौगात दी, तो वहीं कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधायक सुरेंद्र पटवा सहित कई नेता मौजूद रहे। इसके साथ जन आभार यात्रा भी निकाली। इस दौरान अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडीदीप वासियों का हृदय से आभार माना। मुख्यमंत्री के जन आभार यात्रा के दौरान नागरिकों द्वारा आत्मीय स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित होगा। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और हम सब तो सौभाग्यशाली है, एक अलौकिक समय चल रहा है। इस समय के बारे में तो परमात्मा ने वाकई स्वामी विवेकानंद ने जो 125 साल पहले घोषणा की थी,
ये 21 शताब्दी भारत की होगी और हम सब मान के चलते हैं। वास्तव में ये जो समय चल रहा है, इस बदलते दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, कई सारे संकल्प आपके 2005 से जो 2014 तक कई कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने जेट की गति से अपनी स्पीड पकड़ी। जीवन का कौन सा क्षेत्र छोड़ा, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के सारे दरवाजे खोलते हुए और धनराशि को ऐसे दे रहे कि सारे विभाग खर्चा कर करके परेशान है, लेकिन मोदी जी के यहां से आने वाली आवक नहीं टूटती। लगातार हर चीज में मॉनिटरिंग करते करते सारे क्षेत्रों में, कल रेलवे के सौगात दी, रेलवे के अंदर पूरे देश का सबसे बड़ा और बढ़िया और विश्व का सबसे अच्छा स्टेशन बना है, तो रानी कमलापति बना, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश नंबर वन के राज्य के रूप में स्थापित। राजा भोज के जमाने से कुछ विशेष आशीर्वाद लेके भगवान के यहां से आई हुई है विधानसभा और ये पूरी लोकसभा विदिशा, जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए। इतना विशाल शिवलिंग भोजपुर का जो हमारे स्थापत्य का एक अलग प्रमाण दुनिया के सामने प्रकट करता है, राजा भोज के द्वारा निर्मित वो भोज का मंदिर और पता नहीं क्या आशीर्वाद है। इस लोकसभा से भी ऐसे ही माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका संबंध आता है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का संबंध आता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन विदिशा इधर से उधर नहीं हो सकती, विदिशा अपनी जगह मुकाम पे रहती है, यह हम सबका सौभाग्य भी। 593 करोड़ के विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट के जोरदार अभिनंदन कर, वो सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। 280 करोड़ के पहले के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी आज अपन ने यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन किया, वो 65 करोड़ के काम का आज लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करे अपने नए निर्माण कार्यों का, आप जो जो मांगोगे वो सब देने वाले, कोई छोड़ने वाले नहीं, सारी की सारी मांगे आपकी पूरी की जाएगी, क्योंकि आखिरकार ये मंडीदीप भोजपुर, ये विदिशा का हमारा लोकसभा क्षेत्र, यहाँ की जनता, ये जो जनता जो आशीर्वाद देती है, वाकई अद्भुत नेता तैयार होते हैं, अद्भुत क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। जब करने की इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, और रेलवे वर्षों से अलग मंत्रालय, पूरे सरकार का अलग मंत्रालय, एक मंत्रालय बना करके बजट के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का, और रेलवे के अंदर कितना आमूलचूल परिवर्तन किया, और नर्मदा जी के लिए तो वास्तव में नर्मदा से हमारा पूरा मध्यप्रदेश का एक तरह से भाग्य बदला, और आप तो बिल्कुल नर्मदा जी की गोदी में बैठे, लेकिन अब नर्मदा जी अकेले नहीं है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केलबेटवा, पार्वती, कालेसिन, चंबल, चारों तरफ से ये नदियों की धारा हमारे मध्यप्रदेश के आशीर्वाद है। इसी के कारण से हर जगह, हर स्थान पर विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए जा। जब राजा भोज के जमाने से कुछ विशेष आशीर्वाद लेके भगवान के यहां से आई हुई है विधानसभा और ये पूरी लोकसभा विदिशा, जोरदार अभिनंदन करे अपने आप के लिए। इतना विशाल शिवलिंग भोजपुर का जो हमारे स्थापत्य का एक अलग प्रमाण दुनिया के सामने प्रकट करता है, राजा भोज के द्वारा निर्मित वो भोज का मंदिर और पता नहीं क्या आशीर्वाद है। इस लोकसभा से भी ऐसे ही माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका संबंध आता है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का संबंध आता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन विदिशा इधर से उधर नहीं हो सकती, विदिशा अपनी जगह मुकाम पे रहती है, यह हम सबका सौभाग्य भी। 593 करोड़ के विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट के जोरदार अभिनंदन कर, वो सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, 280 करोड़ के पहले के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी आज अपन ने यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन किया, वो 65 करोड़ के काम का आज लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करे अपने नए निर्माण कार्यों का, आप जो जो मांगोगे वो सब देने वाले, कोई छोड़ने वाले नहीं, सारी की सारी मांगे आपकी पूरी की जाएगी, क्योंकि आखिरकार ये मंडीदीप भोजपुर, ये विदिशा का हमारा लोकसभा क्षेत्र, यहाँ की जनता, ये जो जनता जो आशीर्वाद देती है, वाकई अद्भुत नेता तैयार होते हैं, अद्भुत क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से
एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। जब करने की इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, और रेलवे वर्षों से अलग मंत्रालय, पूरे सरकार का अलग मंत्रालय, एक मंत्रालय बना करके बजट के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का, और रेलवे के अंदर कितना आमूलचूल परिवर्तन किया। और नर्मदा जी के लिए तो वास्तव में नर्मदा से हमारा पूरा मध्यप्रदेश का एक तरह से भाग्य बदला है, और आप तो बिल्कुल नर्मदा जी की गोदी में बैठे। लेकिन अब नर्मदा जी अकेले नहीं है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केल बेतवा, पार्वती, कालेसिन, चंबल, चारों तरफ से ये नदियों की धारा हमारे मध्यप्रदेश का आशीर्वाद है। इसी के कारण से हर जगह, हर स्थान पर विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए जाते। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान डोंगरगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी में आचार्य विद्यासागर की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि जैन आचार्य विद्यासागर महाराज ने 18 फरवरी को समाधि ली थी। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जैन समाज के नहीं पूरे भारत और विश्व के ऐसे संत थे जिन्होंने हमेशा विश्व कल्याण की कामना की। उन्होंने आचार्य के अहिंसक कार्यों की भी सराहना की। इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में विकास कार्यों के लोकार्पण अवसर पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सागर में आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। हमने पिछले समय घोषणा की थी कि सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। निश्चित रूप से सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इस बात से सहमत हो तो जरा एहसास तो कराओ। और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है, आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से नरेला की बात करें, मंडीदीप की बात करें, वहीं दूसरे क्षेत्रों की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार पहुंचे। उनका दौरा भी था, कुछ जिलों में संक्षिप्त दौरा था, लेकिन जो सौगातें थी वो बड़ी थी। और TV24 लगातार सीएम आवर के माध्यम से आपको ये अपडेट पहुंचाता है कि किस तरह से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जनहित के कार्यों में डटे रहते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता जब वो विकास कार्यों की सौगात नहीं देते। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी जिले में उनका दौरा होता है। अपने संबोधन के दौरान जब लोगों का आत्मीय स्वागत उन्हें प्राप्त होता है तब वो मंच से ही अभिभूत हो जाते हैं और कई घोषणाएं धरातल पर भी उनकी दिखती हैं। इसी के साथ आज सीएम आवर में हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।